तो आज हम देखेंगे 6.1 के सारे एग्जाम्पल यूनिट 6 एक्सरसाइज है आपकी 6.1। सबसे पहले जो मैं हमने डिस्कस किया था एक बार फिर से हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। इसमें चैप्टर का नाम ही है लाइंस एंड एंगल, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। सेकंड, अगर हम लाइन को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करें तो कुछ इंपोर्टेंट लाइन हैं जो हमें अभी रीड करना है। पहली जो सिंपल में आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन होती है। सेकंड, वर्टिकल लाइन, पैरेलल लाइन और एक इसका होता है ट्रांसवर्सल लाइन। ये कुछ लाइन जो है अभी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल, पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ में आपको बता दूं। स्ट्रेट लाइन फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रेट लाइन वो लाइन अ लाइन हैज मेक एन एंगल 180 डिग्री। एक सिंपल लाइन जो कितने डिग्री का एंगल कर्व करती है 180 डिग्री का। यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि इस पर कितने भी एंगल का सम अगर मैं बोलूँ 2, 3 सभी एंगल का जो सम होगा वो ऑलवेज कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ लीनियर पेयर एंगल जो आएंगे और स्ट्रेट लाइन में क्या हमें डिफरेंस क्या होता है, तो लीनियर पेयर में ओनली 2 एंगल का सम होता है 180 डिग्री, लेकिन स्ट्रेट लाइन में जो होता है सभी जो भी कितने भी एंगल हो सकते हैं इनफाइनाइट एंगल का सम भी कितना होगा 180 डिग्री होता है। दूसरी अगर मैं बोलूं वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, वो लाइन जो एक्स एक्सिस के अलोंग, जैसे ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग खड़ी होती है। ये वाली लाइन जो होती है वो कौन सी होती है, वर्टिकल लाइन। देन थर्ड आपकी पैरेलल लाइन। टू लाइंस, लेट सपोज करते हैं लाइन पैरेलल है और ये कौन सी है, इनके सभी पॉइंट पर अगर मैं यहां से बोलूं यहां से इन सभी के बिटवीन जो एंगल होगा वो 90 डिग्री क्रिएट हो रहा होगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। और सभी पॉइंट पर अगर इनके बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है तो एवरी पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी ये लाइन कैसी होगी, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के बिटवीन में जो भी डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल होती है, चाहे वो उनको एक्सटेंड किया जाए इनफाइनाइट तक, ऑलवेज डिस्टेंस कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। थर्ड हो गई आपकी फोर्थ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन को अगर हम समझें, ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल लाइन को के ऊपर एक थर्ड लाइन फॉल हो रही है, इस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। यहीं से आपके कुछ एंगल क्रिएट होंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के बीच में इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, इसके बाद हम एंगल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है स्ट्रेट लाइन, लाइन कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी 180 डिग्री का, उसमें कितने भी एंगल का सम
कितने भी एंगल क्रिएट किए जाए टोटल का सम कितना होगा 180 डिग्री। सेकंड वर्टिकल लाइन जो बाई एक्सिस के अलोंग, फिर से बता दू, जो लाइन स्टैंड होती है बाई एक्सिस के अलोंग वो आपकी कौन सी लाइन कहलाती है, वर्टिकल लाइन। थर्ड पैरेलल लाइन, टू लाइन के बिटवीन में जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज एवरी पॉइंट पर इक्वल होगी, चाहे उनको इनफाइनाइट तक एक्सटेंड किया जाए, उनके बीच का जो एंगल क्रिएट होगा वो ऑलवेज 90 डिग्री का होगा। ट्रांसवर्सल लाइन, टू पैरेलल लाइन के बीच में थर्ड लाइन फॉल होती है और उसी लाइन को क्या कहते हैं हम, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अब आते हैं एंगल पे। अगर एंगल की बात करें तो बेसिकली आप लोगों को नॉलेज होगा एंगल के बारे में थोड़ा बहुत। अगर एंगल की टाइप में बोले तो सबसे पहले आता है जीरो एंगल, फिर एक्यूट एंगल, इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे तो आपको मालूम ही होगा जीरो एक्यूट क्या होता है, सिंपल सा नॉलेज। उसके बाद राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, फिफ्थ है आपका स्ट्रेट, जबकि उसमें पढ़ाई स्ट्रेट एंगल क्रिएट होता है। उसके बाद आपका रिफ्लेक्स के बाद आपका हो जाता है कंप्लीट एंगल। जीरो एंगल मैं एक बार इनको बता दूं सिंपल सी, और जीरो एंगल जब एक रे, ये आपकी रे मैं बता चुका हूँ आपको रोज, ये इसका कौन सा पॉइंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका फाइनल पॉइंट, इसी रे के ऊपर एक रे और फॉल हो रही है, उन दोनों के बिटवीन में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होगा, 0 डिग्री का। सेकंड रे को अगर थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, रोटेट किया जाए सेकंड रो को, तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होगा, लेस देन 90 डिग्री। ऐसे एंगल जो कितने डिग्री लेस देन 90 डिग्री हो वो सारे एक्यूट एंगल। राइट एंगल थीटा कितना 90 डिग्री, जो एंगल कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर लेते हैं 90 डिग्री का। ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल आपको मालूम ही होगा 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर 180 डिग्री, 180 डिग्री से बड़े होते हैं। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। आपको बेसिक सी नॉलेज है आप लोगों को मालूम होती है। अब जो भी इसका पार्ट्स है उसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे एडजेसेंट एंगल, जो स्पेशल टाइप के हैं जो हम इस एक्सरसाइज में भी पढ़ने वाले हैं और इससे एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले जो आता है वो आते हैं आपके एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है इसको समझना, लेट्स ये एंगल है आपका ए ओ बी, इसमें एक कॉमन ए की वर्टेक्स है, ये इसका क्या है वर्टेक्स है, इसी वर्टेक्स से एक और रे एक्सटेंड की जाए कॉमन, इसको नेम दे दिया सी। एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल ए ओ सी कैसे कहलाएंगे, आर एडजेसेंट एंगल। एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी कैसे कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल। यहां मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल जो एक कॉमन वर्टेक्स से क्रिएट होंगे, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में कैसे होंगे एडजेसेंट एंगल होंगे। अगर एनी एडजेसेंट एंगल को इस रे को और एक्सटेंड कर दिया जाए, सपोज इस कंडीशन में आ जाए, ये एक लाइन इस रे को इधर एक्सटेंड कर दिया जाए, पॉइंट आ गया आपका ए, ये हो गया ओ और ये हो गया आपका बी पॉइंट, एक कॉमन आर, ये मान लिया आपका कंडीशन हो गई सी। तो यहां जो एंगल क्रिएट होगा और ये वाला जो एंगल क्रिएट होगा, इन दोनों का सम कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल को ही जब टोटल एक्सटेंड किया जाता है 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है थीटा, यही कंडीशन कौन सी कहलाने लगती है, लीनियर
पेयर एंगल, और यहां पर ऑलवेज ओनली, यहां लिख दूं मैं ओनली टू एंगल सम, सम इज 180 डिग्री। ओनली टू एंगल का सम ही कितना होता है 180 डिग्री। अगर मैं इसको लिखूं एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी ऑलवेज कितना होगा 180 डिग्री, अगर मैं लीनियर पेयर में एंगल बना। तो ये आपका एडजेसेंट एंगल हो गया और लीनियर पेयर। इसके बाद आता आपका थर्ड, वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसको और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद पैरेलल लाइन पे जो एंगल क्रिएट होंगे। थर्ड है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक ये लाइन है ए बी, इसको एक और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सी और डी। तो ये वाले जो एंगल क्रिएट, इंटरसेक्शन पॉइंट को मैंने नेम दे दिया, यहां एंगल ए ओ सी, ए ओ सी और एंगल बी ओ डी, ये आपका पॉइंट है बी, बी ओ डी, ये दोनों कैसे कहलाएंगे आपस में एडजेसेंट एंगल, सॉरी वर्टिकल एंगल। एंगल ए ओ सी इक्वल किसके होगा, एंगल बी ओ डी के। ऐसे ही इधर एंगल बी ओ सी इक्वल किसके क्या लाएगा, एंगल ए ओ डी के। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए ओ सी किसके होगा, एंगल बी ओ डी के, एंगल बी ओ सी किसके होगा, एंगल ए ओ डी के, दोनों कंडीशन आई होप आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसके बाद जो स्पेशल टाइप होता है वो आते हैं पैरेलल लाइन में किस प्रकार से एंगल क्रिएट होंगे, इनको समझ लेना और अच्छे से इनको नोट कर लेना, अदरवाइज आप लोगों को फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी एक्सरसाइज, क्योंकि ये 6.1 पूरी एक्सरसाइज इसी एंगल पर बेस्ड। पैरेलल लाइन पे एंगल कौन से क्रिएट होते हैं, देखो अभी हमने बताया था ये कौन सी लाइन है पैरेलल, इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। सपोज ये लाइन है एल और ये है एम, दोनों कैसी है पैरेलल, कंडीशन है एल पैरेलल है किसके एम के, पी क्यू ये कौन सी लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन। अब इस पर कौन कौन से एंगल क्रिएट होते हैं वो देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट यहां मैं इसका नेम दे दू एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सबसे पहला जो होता है वो होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। सबसे पहले आप इसमें एक चीज और समझना, इंटीरियर एंगल वो होते हैं जो अंदर है, एक्सटीरियर एंगल जो बाहर पर है। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल में कौन कौन से एंगल क्रिएट होंगे देखो, मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से समझना, एक्सटीरियर एंगल और उसी का अपोजिट इंटीरियर एंगल, एंगल टू किसके इक्वल होगा एंगल फाइव, एंगल वन किसके इक्वल एंगल सिक्स के, इसी तरह से एंगल थ्री किसके इक्वल एंगल सेवन के, एंगल फोर किसके इक्वल एंगल एट के, ये दोनों कंडीशन समझ में आई, एंगल टू किसके इक्वल एंगल फाइव के, एंगल थ्री सेवन के, वन सिक्स के और फोर एट के, ये कौन सी कंडीशन कहलाती है करस्पॉन्डिंग एंगल। सेकेंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आई बताया था इसमें इंटीरियर की बात और अल्टरनेट, इसमें ऑर्डर चेंज होगा, ये थ्री किसके एंगल सिक्स के, एंगल थ्री किसके इक्वल होगा एंगल सिक्स के, एंगल फाइव किसके इक्वल एंगल फोर के, या ऐसे कह सकते हैं एंगल फोर किसके इक्वल एंगल
फाइव की। तो ये कौन सी कंडीशन हुई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जेड शेप का फिगर बनाएंगे इस तरीके से, ये वाला एंगल और ये एंगल इस तरीके से बना रहे हैं, एंगल थ्री एंगल सिक्स के, एंगल थ्री सिक्स के, और अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो एंगल फोर किसके हो जाएगा, एंगल फाइव। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड में, अल्टरनेट एक्सटीरियर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझ लेना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब इसमें एक्सटीरियर की बात होगी, एक्सटीरियर आप लोग खुद बताएंगे। टू किसके होगा, एट के, एंगल टू एंगल एट, एंगल वन किसके, एंगल सेवन। इतनी बात आपको समझ में आ गई, करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर। फोर्थ होते हैं, इसमें भी वर्टिकल देखो, वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट बताओ उसमें कौन कौन से होंगे। एंगल वन किसके, एंगल थ्री के, एंगल वन थ्री, एंगल टू एंगल फोर, नीचे आ जाइए एंगल फाइव किसके, एंगल एट के, एंगल सिक्स किसके हो जाएगा, एंगल सेवन के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और कौन से बच्चे इसमें, और देखते हैं, यहाँ तो ये मालूम ही होगा कि लीनियर पेयर ये भी बनाएगा और नीचे वाला भी लीनियर पेयर बनाएगा, इसी तरीके से ये भी लीनियर पेयर बनाएगा और ये भी लीनियर पेयर बनाएगा। ठीक है, इसमें एक एंगल और होते हैं जो आपको याद रखने हैं, उसमें कुछ प्रॉपर्टी के लिए प्रूव करने के लिए काम आएंगे, इन दोनों का सम और लास्ट का और ये इन दोनों का सम। इसमें याद रखना फिफ्थ कंडीशन में अगर इसको लिखे को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल फोर और एंगल सिक्स, एंगल थ्री और एंगल फाइव, एंगल थ्री एंगल फाइव 180 डिग्री का ऑलवेज होगा हमेशा, एंगल थ्री और एंगल फाइव का सम अगर 180 डिग्री है तभी ये लाइन पैरेलल होंगी, अदरवाइज लाइन पैरेलल नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। एंगल फोर और एंगल सिक्स, एंगल फोर प्लस एंगल सिक्स कितना 180 डिग्री, अगर ये कंडीशन होगी 180 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी तभी ये लाइन पैरेलल होंगी एल और एम, अदरवाइज पैरेलल लाइन नहीं होगी, यहाँ भी आपको याद रखना। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर से बताऊँ जल्दी से, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल टू किसके एंगल फाइव के, एंगल वन किसके एंगल सिक्स के, थ्री किसके सेवन के, फोर एट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वन थ्री सिक्स का, फोर फाइव, टू एट और वन और सेवन, एक्सटीरियर में टू एट का और वन किसका है सेवन का, वर्टिकली अपोजिट में वन थ्री का, टू फोर का, सिक्स सेवन का, फाइव और एट का, को इंटीरियर एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए ऑलवेज 180 डिग्री, तभी ये यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीरियर, इस पॉइंट से याद रखना। ठीक है, को इंटीरियर एंगल सम 180 डिग्री, तभी ये लाइन कैसे होगी पहले। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, तो एग्जाम्पल फर्स्ट आप लोग अपना निकाल के रखेंगे और देखेंगे, उसमें उसको रीड करें